जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए और खुश रखिए। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर और आप सुन रहे हैं रोजगार गाइड की पेशकश जीके विद जौहर। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति, यानी कि पिछला सप्ताह 15 नवंबर से 20 नवंबर 2021 के बीच जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं उनके बारे में सिंगल लाइन। तो हम शुरू करते हैं, आइए दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जिस देश में आयोजित होने वाला है उसका नाम है कतर। तेलंगाना के जिस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है वो है पोचमपल्ली। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम जिसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है वो है मनोहर पर्रिकर। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे जिस दिन मनाया जाता है वो दिन है 17 नवंबर। हाल ही में जिस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है उस देश का नाम है रूस, रशिया। भारत ने अभी हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना जो अभियान शुरू किया है वो है 41वां वैज्ञानिक अभियान। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने बयान के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में जितने प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य जरूर हासिल करना चाहिए वो है 30%। उत्तर प्रदेश के जिस शहर में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है वो है वाराणसी, जिसे ICC क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है वो है सौरभ गांगुली। पश्चिमी बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु जिस नई योजना की शुरुआत की है वो है द्वारे राशन योजना। व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के अनुसार 5 पायदान खिसक कर जिस स्थान पर पहुंच गया है वो है 82वां स्थान। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस जिस दिन मनाया जाता है वो है 16 नवंबर। वह देश जिसने 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है वो है भारत। कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को जिस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है वो हैं पुनीत राजकुमार। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल जितने साल के लिए बढ़ा दिया है वो है 1 साल। हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए जितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है वो है 6,466 करोड़ रुपए। हिंदी की जिस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है वो है मन्नू भंडारी। केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के सचिव और खुफिया ब्यूरो यानी कि IB के निदेशक के कार्यकाल को जितने साल बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है वो है 2 साल। जिस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो है राहुल द्रविड़। राष्ट्रीय प्रेस दिवस नेशनल प्रेस डे जिस दिन मनाया जाता है वो है 16 नवंबर। हाल ही में जिस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल की है वो है चाइना। भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्री परिषद के सभी 77 मंत्रियों को जितने समूहों में बांटा है वो है 8, यानी कि 8 समूहों में बांटा है। कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया करने वाला जो ज्वालामुखी अब फिर सक्रिय हो गया है वो है नेवाडो डेल रूइज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर जिसे मंजूरी प्रदान कर दी है वो है सौरभ कृपाल। भारत के जिस राज्य में 15 नवंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक
इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किया जा रहा है वो है केरल। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए जिस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया है वो है विवेक सागर प्रसाद। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी जिस देश को प्रदान की गई है वो है मिस्र। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर जितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं वो हैं 240 मिलियन। जिस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है वो है ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का अगला प्रमुख जिस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है वो है VVS लक्ष्मण। बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे जिस दिन मनाया जाता है वो है 14 नवंबर। AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के जो 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं वो हैं दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। दोस्तों ये था साप्ताहिक करंट अफेयर्स वन लाइनर। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हर संडे यानी कि रविवार को हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप पॉडकास्ट में हमें सुन रहे हैं, अगर आपने स्पॉटिफाई या गूगल पॉडकास्ट किसी से भी सुन रहे हैं, हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें और हर संडे को आप हमें सुन सकते हैं और पूरे सप्ताह करंट अफेयर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सबसे आगे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।